conta aí, Agiatito. Tipo, quem que ele tem? Yeah! Agla target. Yes! मजा आ गया। अरे यार फिर से एक्सीडेंट हो गया मेरा। अब ठीक है, ऐसा करता उसको ट्रैफिक मोड़ पे लगा देती हूँ। निहारिका कब से गेम पे लगी हुई हो, पता नहीं लग रहा फोन को कितना यूज करती हो आप, आंखें खराब हो जानी है तेरी। पापा को पता लग गया ना, मैंने बता देना उनको, कंप्लीट कर देनी है तेरी। क्लास की है ये, गेम खेल रही हो आप सारा दिन। क्लासेस अलग बात है, क्लासेस लगाने के लिए ऑनलाइन आजकल शुरू हुआ है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन फोन पे लगे रहो। कभी तो आराम दिया करो आंखों को, ऐसे थोड़ी होता है, चश्मे लग जाएंगे फिर बहुत सुंदर लगोगी। छोड़ दो इसको अभी। निहारिका कहाँ है, फोन छोड़ा कि नहीं? अरे निहारिका क्या हो गया? ओ निहारिका, मैंने कहा देखा जी आके क्या हो गया इसको, खून निकल रहा है इसकी नाक में से। क्या हुआ, क्या हुआ, ये खून कैसा बेटा, क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ बेटा? निहारिका क्या हुआ, कितना ऊंचा साउंड छोड़ा हुआ। निहारिका बेटा क्या हुआ बेटा, इसको हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी जल्दी। चलो चलो डॉक्टर साहब ये देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को पता नहीं क्या होगी। डॉक्टर साहब इसको कुछ स्ट्रेस वगैरह दिमाग पे? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके टीवी देखती हो ज्यादा? नहीं टीवी तो नहीं देखती। मोबाइल पे सारा दिन गेम वगैरह खेलती है। क्या आजकल के बच्चे बेटे मोबाइल नहीं खेला करता, इसको पता नहीं एकदम से स्ट्रेस पड़ा हुआ है, इसको स्ट्रेस लेती दिमाग पे ज्यादा। अच्छा, जैसे ज्यादा देर मोबाइल यूज करने से स्ट्रेस से मेन से दिमाग की कमजोर हो जाती है। तो अभी डॉक्टर साहब ठीक हो जाएगी ना? इसका ठीक होने का ये है, देखो भगवान से दुआ करो होने को 10 दिन में ठीक हो जाए। या जितना मोबाइल कब यूज करेगी इसको छोड़ ही दो मोबाइल। अदरवाइज ये क्योंकि दिमाग ठीक है इसका या आंखें ठीक है अभी, बस वो वेन कमजोर हो जाते हैं, वो प्रॉपर सिग्नल नहीं जाते अभी, इसलिए बेहोश हो जाते हैं। मेन इसके स्ट्रेस का है दिमाग पे और वो मोबाइल से। आजकल की जनरेशन को यही हो रहा है, जिसको देखो ये मेरे ख्याल 24 में से 10-12 घंटे मोबाइल पे रखता हूँ कि ज्यादा ही। बस ऐसे सुबह से उठते हैं रात तक मोबाइल पे, पहले ऑनलाइन क्लासेस फिर गेम, बस सारा दिन गेम यूट्यूब गेम। बोलो बेटे क्या नाम है आपका, बोलो। डॉक्टर साहब ये तो बोल ही नहीं रही है कुछ भी, प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। बस अब तो दुआ करो, देखो किस दिन ये अचानक ठीक हो जाएगी, जैसे जैसे स्ट्रेस कम हो दिमाग का। इसको ना आजकल बच्चों के साथ यही हो रहा है, हम सबको कहना चाहते हैं ये निहारिका है, इसके बेचारी का अभी से लाइफ इतना पढ़ने लिखने का टाइम है और इसको हो गया इस टाइम पे स्ट्रेस से वेन कमज़ोर हो गया, अभी इसकी पढ़ाई लिखाई सब डिस्टर्ब हो जाएगी। सब बच्चों के साथ यही हो रहा है, ऊपर से स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास से लगा रहे हैं, और जबकि वो तो ज़रूरी है, खैर सिस्टम को तो करना पड़ेगा, नहीं तो क्लासें मिस हो जाएंगी, कहीं पढ़ाई ख़राब होएगी। लेकिन अब मैं तो सभी बच्चों को यही कहूँगा कि कम से कम यूज़ करें, पूरे समाज के लिए, सबके लिए, बच्चों की लाइफ के लिए मोबाइल से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। जो ज़रूरी है वो तो करना ही है, इसके कुछ तरीके हैं, जैसे किस तरह बैठना, कितनी देर यूज़ करना, पोस्चर क्या रखना, वो देखना पड़ेगा। हाँ जी नमस्कार जी, सुमित चावला चंडीगढ़ से, आप सब लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है, समाज के अंदर हमारे बच्चों की मजबूरी बन चुकी है, हमारा सिस्टम जो है COVID-19 के चलते हमारे को जो पढ़ाई है बच्चों को वो ऑनलाइन करवानी पड़ रही है, क्योंकि बच्चों का करियर खराब ना हो। तो
तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका, हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर है ये सारा। बट हमारी कहीं ना कहीं जो अनदेखी है, जो बच्चों, मैंने बहुत सारे घरों में, बहुत सारे अपने रिश्तेदारों में, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में मैंने देखे हैं बच्चे छोटे छोटे, मतलब 3-3 साल के बच्चे जो हैं वो खाना खाते हैं तो मोबाइल होना चाहिए उनके पास, तब खाते हैं, उनकी जिद होती है। और माँ बाप इतने, मतलब उनको माँ बाप को ऐसा लगता है कि चलो मोबाइल पकड़ा दिया और ये चुप हो गए हैं, हमारे को शांति मिल गई है। पर दोस्तों ऐसा मत करो, मोबाइल के ग्राफिक्स जो गेम्स बच्चे खेलते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो दिमाग की जो नसों में इतना ज़्यादा असर करते हैं, बच्चों के कान में हेडफोन लगे हैं उसके ऊपर इतना असर करते हैं, उनकी आँखों को इतना ज़्यादा ख़राब करते हैं। सो प्लीज़ इन चीज़ों को समझो, ये इस तरीके से मत करो। मेरे खुद के कई रिश्तेदार ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं बट ठीक है भैया, इनको मोबाइल पे रहने दो, रहने दो, ये अब चुप है, अब खाना भी खाएगा, मेरी बात भी मानेगा, सारा कुछ करेगा। तो मेरी ये प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को इस तरीके की आते मत डालो, ये बहुत बुरी चीज़ है, इसको जितना बचा सकते हो बचाओ। और इस वीडियो को प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों को ये संदेश मिल सके। हम लोग बड़ी मेहनत से ये वीडियोस बनाते हैं ताकि सोशली मैसेज दे सके लोगों को। आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, शुक्रिया।